प्राइस डाउन होंगे तो हम लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आम जनता लोग के लिए जितना ज्यादा सरकार पेट्रोल का रेट कम करे वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। तेल है, दाल है, ये सब भी बहुत महंगा है। मे भी सरकार कम करेगी, कम होने को तो नहीं कर सकता, कम होगा। जो स्थिति अभी पेट्रोलियम सेक्टर की है उससे तो कम होने की उम्मीद नहीं है। टैक्सेस को लेकर के अगर चुनाव को देखते होते तो बढ़ाते ही क्यों? चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। उम्मीद है कि शायद रेट जो है वो कम किए जाए। सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने का प्लान कर रही है, तो आपको लग रहा है इसे राहत होगा? राहत तो मिलेगा, लगता है कि दो चार पांच दिन में जो है पेट्रोल का दाम जो है धीरे धीरे कम होगा। जनता इससे तो थोड़ा त्रस्त हुई है, लेकिन सरकार इस पे सोच रही है और सरकार इस पे काम कर रही है कि पेट्रोल का दाम जो है धीरे धीरे कुछ कम होगा। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उससे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो राहत हो ही रहा है कस्टमर लोग, जितने भी पब्लिक लोग हैं या हम लोग आम जनता लोग को, लेकिन सरकार को चाहिए कि थोड़ा कम किया जाए। आप कांग्रेस सरकार के टाइम में देखिए पेट्रोल का दाम 60-65 रुपीज था, मोस्टली था 70 रुपीज था, बट आज के डेट में 90 रुपया देन उसके बाद हाई होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और हम आम जनता लोग को दिक्कत हो रहा है। हाँ, नहीं बढ़ेगा तो राहत मिलेगा, नहीं तो ये तो बढ़ गया है इतना कि हम लोग के 500 रुपया कमाने में पसीना छूट रहा है। 3-4 लाख का गाड़ी है, 250-300 रुपया मुश्किल से बच पाता है। मजदूर से भी खराब स्थिति है हम लोगों को, लेकिन क्या किया जाए, नहीं बढ़ेगा तो ठीक है। तेल का दाम सब चीज़ ठीक है, लेकिन सरकार में यही है पेट्रोल डीजल का महंगाई का ज़्यादा हो गया। सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने का प्लान कर रही है, तो आपको लग रहा है इसे राहत होगा? मे बी चांसेस है, क्योंकि जिस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लोगों ने सोच रहे थे कि कोप अप होगा प्राइसेस, लेकिन अब जैसा दिख रहा है कि 4-5 दिन से ऐसा मतलब नॉर्मल हो रहा है, तो चांसेस बन सकते हैं सर। बिल्कुल, उम्मीद है कि शायद रेट जो है वो कम किया जाए, इलेक्शन टाइम आ गया हो सकता है इसलिए, लेकिन यह है कि कब करती है गवर्नमेंट डिपेंड करता है। मे बी सरकार कम करेगी, क्योंकि वैसे भी आज की डेट में आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल, आम आदमी के अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए मे बी कम होंगे। नहीं, चुनाव का ऐसा नहीं है, अगर कहीं ना कहीं ऐसा दबा टैक्सेस को लेकर के अगर चुनाव को देखते होते तो बढ़ाते ही क्यों? इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है पेट्रोल की कीमतों से। एक्साइज ड्यूटी से ज़्यादा है कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेड कच्चा तेल हो, तो क्रूड ऑयल का तो कीमत बढ़ ही रहा है मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसमें काफ़ी 8% तक वो गिरावट कर सकती है। अगर उसका अगर कटौती वो करती है, अगर वो सक्सेसन करती है, तो पब्लिक को कम से कम अभी का जो रेट है उसमें कम से कम गिरावट दर्ज हो जाएगा, तो उससे राहत मिलेगी। लोगों को काफ़ी महंगा पड़ रहा है, पहले जो 100 रुपये में हम लोग ले लेते थे, काफ़ी कूल फील करते थे, अब उसी चीज़ को हम लोग 150 रुपये तक को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब दिक्कत वाली बात आ गई है। इससे सब जगह ऑल ओवर, चाहे ऑटो फेयर हो या अपना खुद का प्राइवेट ऑटो है, सबका दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो इसमें हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि अपना एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा सा लो करें और पब्लिक को राहत फील करें। अब ये कम होने को तो नहीं कर सकता, कम होगा। जो स्थिति अभी पेट्रोलियम सेक्टर की है उससे तो कम होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इस पर अगर सरकार चाहे तो उसको कम कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ रहे हैं। जो भी खाड़ी देश से जो तेल हमारे पास आ रहे हैं वो वही जगह स्थिर है, स्थितियाँ ख़राब होती जा रही हैं। और हम तो सेक्टर पेट्रोल सेक्टर होने के नाते मैं ज़रूर चाहूँगा कि सरकार इस पर लगाम लगाए, जिसके वजह से आम गरीब जनता जो है परेशान हो रही, गैस भी बढ़ता जा रहा है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो देखो यहाँ पे लगा के रेडी बैठे हैं, इनके गैस है, पेट्रोल है, गाड़ियाँ हैं, हमारे पास भी गाड़ी है, चल रहे हैं, तो स्थिति ख़राब, धीरे धीरे स्थिति ख़राब हो रही है। सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा भारत सरकार से कि इस पर तत्काल नियंत्रण लगाए, और अन्यथा स्थिति धीरे धीरे और ख़राब होगी। चुनावी वर्ष के वजह से तो हम राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे,
ये तो कहीं ना कहीं से इसका अनुभाग इसके अंदर है ही, उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम जनजीवन जो है उसके लिए दिक्कत है, जिसकी रोज की कमाई है, रोज के इनकम है, जाना है आना है, गाड़ियाँ की जो भी स्थिति है, जो बच्चे स्कूल से आ जा रहे हैं पर डे उनके भाड़े बढ़ गए हैं, स्कूल से आना जाना उनको दिक्कतें हो रही हैं, मिला जुला के हमारा जो सरकमटेंस है, हम यही कहना चाहेंगे कि इसको तत्काल प्रभाव से भारत सरकार इसको नियंत्रण करे। चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, अन्यथा सत्ता में चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये जो मेन नेशनल पार्टी की बात करूँगा, ये राजनीति करोटी सेकते सेकते स्थितियाँ देश की खराब हो रही है। ABP News, आपको रखे आगे।